अपराधियों को धूल चटाते और अपनी बंदूक की एक गोली से बदमाशों का सीना छलनी करने वाली पुलिस हमें स्क्रीन पर देखने को मिल जाती है। दबंग और सिंघम जैसी फिल्मों में पुलिस की छवि हमारे सामने हीरो जैसी बना दी है। इन फिल्मों से प्रभावित होकर हम असल में भी पुलिस की यही छवि देखना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि असल जिंदगी में भी पुलिस ऐसे ही चुस्त और दुरुस्त हो। जी हाँ, ऐसी ही बुलंदशहर की पुलिस है जिन्होंने सिंघम स्टाइल में मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार स्वाट टीम और थाना सिकंदराबाद पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवाबी कार्यवाही में अंतर्राज्य शातिर अपराधी सुलेमान पहलवान उर्फ बल्लू गोली लगने से घायल हो गया। थाना सिकंदराबाद पुलिस की बाइक सवार बदमाश के साथ भटपुरा कट के पास मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में बदमाश सुलेमान गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश सुलेमान अंतर्राज्य शातिर किस्म का अपराधी है जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आया था। मौके से अवैध असलाह, कारतूस व एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। अभियुक्त सुलेमान के विरुद्ध दिल्ली बुलंदशहर में हत्या, लूट, डकैती आदि संगीन अपराधों के करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं। आज जनपद बुलंदशहर की स्वाट टीम और सिकंदराबाद थाने की पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में एक बहुत कुख्यात और शातिर अपराधी सुलेमान उर्फ बल्लू, जो खुर्जा नगर का रहने वाला है, जिसके विरुद्ध लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे गंभीर धाराओं के दर्ज हैं, मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया और गोली लगने से घायल हुआ है। गोली क्रॉस फायरिंग के दौरान उसे लगी है। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से इसके द्वारा हमला किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा चलाई गई गोली से ये घायल हुआ है और इसको गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि सुलेमान उर्फ बल्लू दिल्ली में ही इसके खिलाफ जो है 1.5 दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं और हत्या के एक मामले में ये वहां से वांछित चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।